बाघ दिवस पर सर्वप्रथम तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश में बाघों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और हमारे सरिस्का टाइगर रिजर्व जिसमें हम आप मेहनत कर रहे हैं, टीम सरिस्का जिसको कहते हैं, उसमें आप भी सदस्य हैं टीम सरिस्का के, यहाँ भी टाइगर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। और आज का जो कार्यक्रम है, हम लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम प्लस कुछ स्कूली बच्चों को बुलाया है जहाँ पर उनको वन एवं वन्य जीवों की महत्वता के बारे में, विशेष करके बाघ जो है, बाघ की महत्वता क्या है, बाघ को क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, क्यों इनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए, इन सब बातों पर एक ओपन डिस्कशन रखा है। साथ ही कई जगहों पर जहाँ पर अन्य स्थानों पर जो वाटर बॉडीज हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, वहाँ पर मुख्य रूप से बरगद, पीपल, गुलर आदि के जो वृक्ष लगाए जाने के एक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं ताकि सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो बेसिकली पक्षी हैं, ऐसी बर्ड्स स्पेसीज हैं हमारे पास में करीब 300 प्लस स्पेसीज हैं सरिस्का में, उनके लिए छाया और भोजन दोनों की व्यवस्था भी समुचित हो सके। सर, मानसून आया है अच्छी परसेंट, तो ये अपना कितने एनिकोटम पानी आ गया सर? अभी तक हमारे जो लगभग 150 स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से लगभग सभी में पानी आ चुका है, लेकिन हाँ अपेक्षाकृत पिछले साल की तुलना में अभी पानी कम आया है, लेकिन आशा है कि इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और सरिस्का को और अधिक पानी बरसाएंगे। हरा घास वगैरह पानी यहीं उपलब्ध हो जाएगा वन जीवों? हाँ, अभी जो सुखद बात यह है कि हमारे यहाँ जो पिछले 1.5-2 साल से जो मैं देख पा रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ कि हर प्रजाति की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो हर्बी ओर है, चाहे कार्निवोर है। इवन मैं आपको बताऊँ कि जो 1 से 1.5 साल की जो चीतल और सांभर की संख्या में जो इजाफा हुआ है वो ऐतिहासिक है।
भाई, आज हमारे अभ्यारण को एक आदर्श अभ्यारणों के रूप में गिना जाता है। एनसीआर के पास होने के साथ साथ हजारों लाखों की संख्या में यहाँ लोग पर्यटक के रूप में भी आकर और हमारे अभ्यारण की प्रशंसा बाहर जाके कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय हमारे लिए है। और अलवर के तेपड़े के नाम से विख्यात सरिस्का को माना जाता है। जब कोविड वाला सिचुएशन था, लोग ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइनों में लग रहे थे, लेकिन हमारे अलवर में बिल्कुल जो अलवर के फेफड़े के नाम से जो हमारा सरिस्का अभ्यारण है, उसी की देन थी कि हमारे यहाँ आसपास शुद्ध हवा लोगों को मिली। और इस वैश्विक महामारी में भी हमारे आसपास के क्षेत्र में ऐसी कोई जनहानि सुनने को नहीं मिली। की सिचुएशन थी तब जो वॉलंटियर्स थे उनको प्रोत्साहित किया, और पिछले DFO सर हैं उन्होंने उस अभियान को शुभारंभ किया था, और आज हम 15वें चरण में पहुँचे हैं। इस अभियान में वॉलंटियरली जो लोग जुड़े हैं वो रास्ते के दोनों तरफ जो भी कोई पोलोथीन या इस तरह के खाद्य पदार्थ खा के जो लोग पोलोथीन फेंक देते हैं उन्हें जागरूक करने के साथ साथ स्वच्छ प्लस आरण्य यानी स्वच्छ अभ्यारण्य करके इस थीम के साथ इस 15वें चरण को आज पूरा किया गया है। और इन 15 चरणों में देखा कि सर किस प्रकार सरिस्का की पूरी टीम एक डेडिकेशन के साथ इस सरिस्का को संरक्षित करने के साथ साथ एक सुंदर और एक अच्छा अभ्यारण बनाने के लिए प्रयास कर रही है। सर अभी कुछ दिन पहले इनोवेशन इंडिया की टीम के साथ बात हुई हमारी। मेरा नाम गोकुल सैनी है सर, मैं युवा जागृति संस्थान में CEO पोस्ट पे हूँ, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के जो सोशल सेक्टर के वर्क है उनमें काम कर रहा है। और इनोवेशन इंडिया की टीम ने जब हमारे अभ्यारण्य में जंगल में आग लगी, उस चीज़ों को भी हमने एक दो फ्रेंड्स हैं हमारे जो नीति आयोग में भी हैं, तो उनके थ्रू एक पायलट यहाँ पर अपने अभ्यारण्य में आके किया जाएगा कि अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो अभ्यारण्य में आग को तुरंत कैसे काबू पाया जाए टेक्नोलॉजी के साथ। इस तरह के इनोवेशन के लिए 3 से 5 दिन के लिए यहाँ एक टीम इनोवेशन इंडिया की तरफ से आएगी, उम्मीद है अगले 1-2 महीनों में, जिससे प्रयास है कि हम अपने सरिस्का को किस प्रकार एक स्वच्छ और एक सुंदर अभ्यारण्य बना सकते हैं। और मैं आप सभी वॉलंटियर्स का भी अभिनंदन करता हूं कि आपने प्रॉपर तरीके से इस अभियान में भाग लेकर ना सिर्फ आपने स्वच्छ अभ्यारण्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, साथ में आज जब हम देख रहे हैं कि इस जंगल को बचाने के लिए टाइगर को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी बातें हमारे जो अतिथि लोग हैं उनसे हम सुनेंगे। और मंच पर विराजमान DFO सर DP जागावत जी को मैं आमंत्रित करता हूं पहले वक्ता के रूप में कि सर आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे जो वॉलंटियर्स यहां पर उपस्थित हैं उनको भी इस बात से प्रेरित करें कि ये जंगल हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है, साथ में इस अभ्यारण्य को हमारे को बचाना क्यों ज़रूरी है। तो ज़ोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ DFO सर को। प्यारे बच्चों, दो बातें आपने बहुत महसूस की होगी। एक तो हमने पेड़ लगाया था सुबह सुबह। पेड़ क्यों लगाया जाता है? पेड़ केवल हरियाली के लिए नहीं लगाया जाता, हम वन और वन्य जीवों को किस तरह से आप संरक्षण प्रदान कर सकते हैं उसमें पेड़ों का बड़ा योगदान होता है। आप देखिए, अगर आपने कुछ बर्ड्स का अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, हरियल एक बर्ड होता है ग्रीन पिजन, आपने किसने देखा है हरियल? देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा। हरियल एक कबूतर जैसा, पिजन कबूतर जैसा बर्ड होता है हरे रंग का, और वो ग्रुप में रहता है 20 से 25 के। जब वो मूव करता है तो बड़े पेड़ों पर ही हमेशा मूव करता है, जैसे आपका पीपल का पेड़ हो गया, बड़ का पेड़ हो गया, ऐसे पेड़ों पर ही रहता है। हमने बड़ का पेड़ लगाया सुबह सुबह, तो वो ऐसे पेड़ जो बड़े पेड़ होते हैं वो इनके लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होते हैं। इसी तरह से एक हॉर्नबिल होता है जिसकी लंबी चोंच होती है, वो अगर आपने देखा हो, देखा है किसने देखा है, तो वो भी बड़े पेड़ों पर है। तो सबसे पहले तो हमारे पेड़ों की उपयोगिता समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से हमारे वन्य जीवों को उसके लिए एक आवास उपलब्ध करा सकते हैं, उनके लिए खाना उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी बात, बड़े पेड़ों की छाया भी होती है, वो छाया भी वन्य जीवों के लिए बहुत उपयोगी होती है। विश्व बाघ दिवस पर आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और बाघ चूँकि अपेक्स लेवल पे होता है,
अगर पिरामिड को देखा जाए तो सबसे ऊपर के लेवल पे होता है, ये सबसे नीचे आपकी वेजिटेशन आती है ना, तो आप वेजिटेशन से ऊपर शाकाहारी फिर मांसाहारी, तो इस तरह से आपका जो पिरामिड है, अगर वो पिरामिड बैलेंस में रहता है तो प्रकृति हमें हमेशा अच्छी चीज़ें देती है, लेकिन अगर वो बैलेंस बिगड़ जाता है तो कुछ न कुछ कठिनाई परेशानियाँ आती हैं हमारे सामने। आपके जो शाकाहारी वन्य जीव हैं, चीतल हैं, सांभर हैं, वो क्या क्या काम करते हैं? देखिए, अगर बाघ नहीं होगा तो वो एक ही जगह चरेंगे, थोड़ा सा हल्का सा मुंह कर जाएंगे। पैंथर बाघ क्या करते हैं, उनको दौड़ाते हैं, और दौड़ने से वन क्षेत्र को क्या लाभ होता है? दो तरह के लाभ होते हैं। एक तो ये होता है कि वो जो बीजों का डिस्पर्सल है ना, उसमें योगदान देते हैं। दूसरे, बीज जो धरती पर गिर जाते हैं जब वो दौड़ते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी परत आ जाती है मिट्टी की, तो इसलिए वो अपने जो वेजिटेशन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं उसमें पूरा का पूरा उनका योगदान रहता है। और अगर वो, अगर आपका एपेक्स लेवल वाले वन्य जीव नहीं होंगे तो वो एक जगह स्थिर हो जाएंगे और आराम से एक ही जगह रहेंगे, तो आपका न तो वन क्षेत्र अच्छी तरह से बढ़ेगा और उसमें जो आपकी विविधता आनी चाहिए, जैव विविधता आनी चाहिए, वो जैव विविधता नहीं बनी। तो बाघ का योगदान आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो ग्रुप है, जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको ऐसे कार्यक्रमों में शामिल करना बहुत ही आवश्यक होता है। उसका रीज़न है कि आप ऐसी पीढ़ी हैं जो आप अपने पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं ऐसी चीज़ें, जो अपने छोटे भाइयों को भी समझा सकते हैं, और आपकी पीढ़ी को हमने अगर जागरूक कर दिया और आपने दूसरे लोगों को, आपको जो आपके संपर्क में आते हैं उनको अगर आपने जागरूक कर दिया, तो निश्चित रूप से ये हमारे वन्य जीवों के लिए, आपके पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जब यहाँ से जाएंगे, आप अभी तो प्रकृति का आनंद भी लेंगे, पार्क में घूमेंगे, तो वहाँ आपको नेचर को जो देखने में आनंद मिलता है, जो पशु पक्षियों को देखने में जो आनंद मिलता है, और गिरे पड़े पेड़ आपने देखा होगा प्लांटेशन में, हम बिल्कुल लाइन में पेड़ लगाते हैं, उनकी अपनी सुंदरता होती है, लेकिन जो जंगल में गिरे पड़े पेड़ होते, कोई उल्टा किस तरह पड़ा है, वो उसकी अपनी सुंदरता होती है। नाला पानी का चलता है, आप देखिए कहाँ से बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनमें से चलता हुआ कितनी सुंदरता देता है। तो अपने वन क्षेत्र की यही सुंदरता होती है कि वहाँ पर जो अस्त व्यस्त चीज़ें होती हैं ना, उनका अपना बहुत खूबसूरती होती है, अपनी एक ब्यूटी होती है। तो मैं आज बाघ दिवस के अवसर पर, विश्व बाघ दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप ये जागरूकता को पूरे समाज में, आपके संपर्क आने वाले लोगों में फैलाएंगे। पुणे में आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में जो आपने इतने महत्वपूर्ण तरीके से पेड़ों का और वनों का और वन्य जीवों का जो महत्व समझाया, क्योंकि देखिए अगर आने वाले समय की हम अगर बात देखें तो अगर जंगल बचेंगे, पर्यावरण बचेगा, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको हमें एक अच्छा माहौल देने का एक अवसर मिल पाएगा। क्योंकि कोविड भरी सिचुएशन में आपने देखा है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं थी तो उसका महत्व कितना, लोगों ने यहाँ तक कि अगर उनको समय से ऑक्सीजन नहीं मिली तो कई जीवन लीला भी समाप्त हो गई। लेकिन हमारे अलवर के जो फेफड़े हैं उन्होंने हमें हमेशा संरक्षित रखने का काम किया, यानी हमारे इस अभयारण्य ने। तो इसी प्रकार के जो आयोजन होते हैं, जो आयोजित किए जाते हैं, उनका मूल मकसद यही है कि किस प्रकार आप लोगों को पर्यावरण से जोड़ा जाए और मन से जोड़ा जाए। चाहे हम अपने जीवन में हर वर्ष ये हम संकल्प लें कि हर वर्ष एक वर्षा ऋतु में एक पौधा हम जरूर लगाएं, और जिस प्रकार हम अपना संरक्षण करते हैं सेम उसी प्रकार हम उस पौधे का भी संरक्षण करें। अगर इस प्रकार सभी व्यक्ति सोच लें तो आने वाले 5-6 सालों में पूरी हमारी धरती है वो हरी भरी हो जाएगी, और निश्चित रूप से ये जो वन्य जीव और जंतु हैं उनको हम अच्छे से संरक्षित कर पाएंगे। तो आज का जो एक मिला जुला कार्यक्रम है जिसमें कई सारी प्रतियोगिताओं को सरिस्का प्रशासन ने सम्मिलित किया, बच्चों को अवसर मिला, यहाँ स्थानीय जो सरिस्का सरकारी विद्यालय की बालिकाएं बच्चे यहाँ पर आए, उन्होंने इस प्रतियोगिता में शिरकत किया, कई बच्चियों ने नन्हे नन्हे हाथों से कई अलग अलग तरह की ड्राइंग्स बनाई, उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हैं उनको इस मंच के माध्यम से आज पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो देखिए ये जो आयोजन है
ये हमें प्रकृति से जुड़ने का अवसर दे रहा है। अगर हम पानी की देखें, जल घटते हुए जल स्तर की बात करें तो उसका संबंध भी प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। जहाँ पेड़ अच्छे होते हैं वहाँ वर्षा भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमें समय रहते हमारे इस तरह के जो आयोजन हैं उनमें भाग लेकर और इस अभ्यारण्य को हमें अच्छा बनाना है। मैं अब अगले वक्ता के रूप में मंच पर विराजमान CF सर जो RN मीना जी, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। सर आप भी आएँ और आज का जो ये कार्यक्रम है उसमें उपस्थित बच्चों को मोटिवेट करें। सर सैनी जी, प्यारे बच्चों और बच्चियों, बड़ा हर्ष का दिन है, खुशी का दिन है, जहाँ आप और हम बैठे हैं। आने वाले समय का जो बेहतरीन टाइगर रिजर्व होगा, इन आशाओं के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। और चूँकि DFO साहब ने बता दिया आपको क्या महत्व है वृक्षों का, वन्य प्राणी विशेष करके बाघ का, चूँकि आज विश्व बाघ दिवस है, ऐसे मौके पर सैनी जी आपको, आपकी टीम को साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जरा उन बेजुबानों के बारे में, जरा उन निरीह प्राणियों के बारे में जिनका कोई आश्रय नहीं है सिवाय वृक्षों के और इस नेचर के, उनके लिए कितने लोग जीना चाहते हैं। साथियों, बड़ा संवेदनशील विषय है कि इमोशनल भी है नेचुरली, और मेरा ये मानना है कि जो आदमी इमोशनल नहीं है उसका कोई मायने भी नहीं है। लेकिन इस उपलक्ष्य पे, इस दिवस पर मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से, निवेदन रहेगा, आप जितनी ज़्यादा संख्या में अपने जैसे वन्य प्राणी मित्र जिनको कहें, प्रकृति मित्र जिसको कहें, इतनी सीरी चला दीजिए दोस्तों कि शायद भगवान आप पर इतना मेहरबान हो, खुदा कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, जिसको कहें, कि शायद कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी सफलता को रोक सके। मैंने मेरे इस 26 साल की सर्विस में, मेरे साथी चूँकि मेरे बेस्टमेट भी हैं जगह सब, मैंने ऐसे अस्थियों को गिरते हुए देखा है जिन्होंने अन्याय किया है इस प्रकृति के साथ में, जिन्होंने इस निरीह प्राणियों के साथ में अन्याय किया है, शिकार करे हैं, करवाए हैं, मरवाए हैं। मैं नहीं कहता किसी व्यक्ति विशेष का नाम लूँगी वो उसने ये अपराध किया है, लेकिन यदि हम कोई अपराध घटित होते हुए देखते हैं और उसमें हमारा मूक दर्शक बन के बैठते हैं तो उसमें भी हम अपराध के सहभागी बन जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि जब भी आप इस तरह के कोई घायल प्राणी आपको मिले, देखें, उसकी मदद करें, प्राइम ऑफिशियल उसको रोड से साइड में कर दें, पानी अगर ज़रूरत है थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो, और तत्काल हमें, हमारा कंट्रोल रूम का नंबर सैनी जी आप सबको, जितेंद्र जी आप नोट कराएंगे, सर इसका कंट्रोल रूम पर नोट करावें, फिर यदि अलवर का क्षेत्र है तो अलवर को हम बता देंगे, जयपुर का है तो जयपुर के DFO को बता देंगे, वो जानवर बच जाएगा। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह आज आपके हमारे पिताजी या माँ अगर चली जावे तो फिर आपके और हमारे साथ, मुझे नहीं पता हमारे किसी प्यारे बच्चों के माँ बाप हैं या नहीं हैं इस दुनिया में, आशा करता हूँ सभी के हैं, तो उस स्थिति में सोचें कि यदि उनके माँ बाप अगर चले जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या गुजरता है। उसमें आप एक संजीवनी बूटी का काम कर सकते हैं, तो ये मेरी छोटी सी संवेदनाएँ भावनाएँ आपके साथ मैं प्रकट करना चाहूँगा। और सैनी जी आपका बहुत बहुत आभार, इस स्वच्छारण में अभियान में आपने जो सरिस्का में जो कार्य किए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी कार्य करते रहेंगे। इसकी गूंज दिल्ली तक है, मैं आपको बता दूँ, NTCA के नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के इंस्पेक्टर जनरल मलिक साहब और सदस्य सचिव यादव साहब आए, उन्होंने बहुत बदलाव देखा अपने सरिस्का में, पांडुपोल के रास्ते में, इस मेन नटनिका बारा से थैंक यू बोर्ड तक के रास्ते में बहुत सारे जो कचरा रहता था प्लास्टिक का, गार्बेज का, वो आप लोगों ने टाइम टू टाइम क्लीन करते रहे। मैं आशा करता हूँ आप और कंधे से कंधे मिलाकर इस सरिस्का के उज्जवल भविष्य में साथ देंगे।